लाइफ का गोल क्या होना चाहिए, खुशी होना चाहिए या मटेरियल सक्सेस होना चाहिए? अब देखो क्या है, थियोरेटिकली हमको ये सारी बातें पता है, यहाँ पर क्या है, हम सारी फिलोसोफर्स हैं, हमको फिलोसफी सारी पता है। अगर मैं आपसे कुछ भी पूछूंगा या किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी, आप जाकर ज्ञान पूरा दोगे, और शमशान घाट में तो सारे ज्ञानी बन जाते हैं। तो आदत क्या बनानी है कि पास्ट में जाना है इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए, प्रेजेंट में यूज करना है जिससे कि हमारा जो सर्वाइवल है वो इंश्योर्ड हो सके, कंफर्टेबल हो सके, बस यहां पर ला करके फुल स्टॉप लगा दो। फ्यूचर में जाना है, क्यों जाना है, क्योंकि मैं ये काम कर रहा हूं, अब इसका फ्यूचर कैसा होगा सोचना ही पड़ेगा ना, गोल सेटिंग करोगे तो सोचना पड़ेगा ना कि इसको करने से क्या होगा, ये होगा वो होगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी, इसमें कितना पैसा चाहिएगा, ये वो व्हाटएवर। तो आप क्या कर रहे हो, पास्ट में भी जा रहे हो, फ्यूचर में भी जा रहे हो, लेकिन जा रहे हो सिर्फ यूजफुल इंफॉर्मेशन वहां से निकालने के लिए और प्रेजेंट में उसको यूज करने के लिए। इसमें मुश्किल क्या है? जो लोग स्पिरिचुअलिटी को समझ नहीं पाते हैं वो क्या बेवकूफी करते हैं, वो पास्ट से और फ्यूचर से पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं और मेंटली अनस्टेबल हो जाते हैं। मेमोरी, वो जो खराब मेमोरी आ रही है बार बार माइंड में, जो याद आ रही है वो नहीं आनी चाहिए, दैट इज अ ट्रैप, वो फंसा देगा आपको, क्योंकि वो उस मेमोरी को और स्ट्रांग कर देगा। मेमोरीज क्या होती है, भूत के जैसी होती है। जितना आप कहोगे ना मुझे ये भूत नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में भूत कहां है, हमारे माइंड में है। एक्चुअल में मेमोरीज कहां है, माइंड में है, एक्चुअल में तो नहीं है, नहीं तो दिखाओ मुझे कहां है मेमोरीज, माइंड में है मतलब कि वो भूत के जैसी है। तो जितना आप ये कहोगे कि मुझे ये नहीं दिखना चाहिए भूत, उतना ही भूत स्ट्रांग होता चला जाएगा, भूत की एग्जिस्टेंस पक्की होती चली जाएगी। इसको ध्यान से समझना, भूत अंदर से जो कह रहा है, भूत मतलब भूत, भूत भूतकाल बोलते हैं ना, मेमोरीज क्या है, पास्ट क्या है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भूत ही बोलते हैं ना। तो अंदर से आपके भूत जो भी कुछ कह रहा है आपको करने के लिए, वो आपने किया तब भी वो भूत पक्का हो जाएगा, नहीं किया तब भी वो भूत पक्का हो जाएगा। तो क्या करो, सिर्फ बैठे बैठे ये जान लो कि ये भूत है, भूत मतलब वो जो है ही नहीं, जो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता उसको भूत बोलते हैं। क्या जो आपकी पास्ट की मेमोरीज हैं वो इस मोमेंट में आपका कुछ भी बिगाड़ सकती है? ये कोई फैक्ट है या इल्यूजन है? कैसी भी मेमोरी आ जाए, कैसी भी, कितनी भी बुरी, कितनी भी अच्छी, क्या वो एक्चुअल में आपका खून कर सकती है? नहीं कर सकती जी। बेसिकली पर्पस ऑफ लाइफ क्या है कि अब चाहे थॉट्स हो या ना हो, तीन ही लेवल है ना, बॉडी है, माइंड है और इंटेलेक्ट। इन तीनों के बीच का फर्क हमको समझ आता है। बॉडी मतलब बॉडी से रिलेटेड हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम्स हैं या कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे ऊपर उसका असर नहीं आना चाहिए। अपनी तरफ से अपनी बॉडी को ठीक रखना है, लेकिन उसके बावजूद कुछ गड़बड़ भी हो जाए तब भी हमारा जो मेंटल बैलेंस है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। माइंड का लेवल क्या होता है, जो हमारे इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो बहुत तेजी से उठती है। जब इमोशन बढ़िया होता है तो बड़ा मजा आ रहा होता है, जब बुरा होता है तो बहुत ही बुरा लग रहा होता है। तो हमें यह समझ आना चाहिए कि उन इमोशंस का भी हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब क्या है, मतलब ध्यान से समझ रहे हो ना, इमोशन से पीछा नहीं छुड़ाना है जी, पहाड़ों में जाकर के बैठना नहीं है किसी गुफा में, या आंख बंद करके बैठना नहीं है। इमोशंस रहेंगे बट उसका असर आपके ऊपर होना बंद हो जाएगा। असर कैसे होगा और कैसे नहीं होगा इसको ध्यान से समझो। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप रोओगे। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि हम रोना बंद कर दें, तब तो आप कंट्रोल कर रहे हो ना अपने आंसुओं को। मेडिटेशन इज नॉट अबाउट कंट्रोल जी, इट इज अबाउट लेटिंग इट हैपन, वॉट एवर इज हैपनिंग, बट बींग फियरलेस अबाउट इट। अभी हमको रोने से डर लगता है, ये प्रॉब्लम है। रोना प्रॉब्लम थोड़ी है, एक नेचुरल फिनोमिना है। आंख में कुछ जाएगा तो आंसू आएगा ना, ऐसी कुछ गड़बड़ होगी तो आंसू आएंगे ना, आने दो ना। अभी हम रोने से डरते हैं, ये प्रॉब्लम है। तो अगर कहीं कुछ गलत होगा तो आप खुल के रो रहे होगे, लेकिन अंदर से आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा होगा, क्योंकि आपको ये पता होगा कि ये कुछ भी होता रहे, कुछ देर के लिए है, फिर वापस से सब नॉर्मल हो जाएगा। लाइफ का अगर खुशी के अलावा कोई और पर्पस है तो बता दो। जो भी कुछ आप कर रहे हो, जानवर कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहा है, जिसमें भी लाइफ है, जो भी कुछ वो कर रहा है, किस लिए कर रहा है? खुशी के लिए तो कर रहा है। तो धीरे धीरे क्या होगा, बॉडी के लेवल पे कुछ भी होता है आपको फर्क नहीं पड़ेगा, माइंड के लेवल पे कुछ भी होता है फर्क नहीं पड़ेगा, इंटेलेक्ट के लेवल पे कुछ भी होता है उससे भी फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। इंटेलेक्ट के लेवल पे लोग जाकर के फंस जाते हैं, मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है, तू जो सोच रहा है वो गलत है, मेरा धर्म सही है तेरा धर्म गलत है, इस किताब में जो लिखा हुआ है वो सही है तेरी किताब में जो लिखा हुआ है वो गलत है, ये सारा सही गलत इंटेलेक्ट में घुसा पड़ा है। धीरे धीरे आप इंटेलेक्ट से भी फ्री हो जाओगे, कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है।
चाहे कुछ सही हो चाहे कुछ गलत हो, फर्क क्या पड़ता है जी। ये जो बॉटल है, रियलिटी जैसी है सो है। इसके बारे में कोई अच्छा सोचता है, कोई बुरा सोचता है, कोई इसको देख करके खुश हो रहा है, कोई परेशान हो रहा है, ये सब इंटेलेक्ट का काम है। समझ रहे हो, जो इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर पड़ी हुई है कि इस बॉटल को छूना नहीं चाहिए, इसको छूना धर्म के खिलाफ है, इसको संदीप जी ने पिया है तो ये पवित्र है, तो इस जल को अगर हम पिएंगे तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, ये सब इंटेलेक्ट में पड़ा हुआ है। वो इंटेलेक्ट जो कन्फ्यूज है, फालतू की चीज़ों में लगा हुआ है, करने वाला काम नहीं कर रहा, उल्टे सीधे कामों में लगा हुआ है। अगर मैं इसको पीऊंगा तो मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। उनसे पूछो, भाई अगर आपकी सारी मनोकामना पूरी हो भी गई तो करोगे क्या? उसके बाद लाखों और मनोकामनाएं खड़ी हो जाएंगी। क्या ये सॉल्यूशन है? बचपन से आज तक आपकी कितनी मनोकामनाएं पूरी हुई? लाइफ सॉर्ट आउट हो गई क्या? क्या नहीं हुई आज तक आपकी कोई भी मनोकामना पूरी? नहीं हुई कोई भी ऐसा है? कितनी हुई होंगी? बहुत, मतलब कितनी? हजारों, लाखों, अनलिमिटेड, इनफाइनाइट? उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? नहीं हुई। तो इंटेलेक्ट में क्या पड़ा हुआ है? ये सारी चीजें, जो भी इस बॉटल के बारे में मैं बोल रहा हूँ या आप सोच रहे हो, वो सब कहाँ है? इंटेलेक्ट में है। इसके बारे में जो फील कर रहे हो वो माइंड में है, इसको मन बोलते हैं। इस बॉटल को देख करके किसी के अंदर अच्छी फीलिंग्स आएंगी, किसी के अंदर बुरी फीलिंग्स आएंगी। कोई इसको देख करके बड़ा अच्छा फील करेगा, रोने लग जाएगा खुशी से, हाँ 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 ये बॉटल, इसको मैं संभाल करके रखूंगी, ये बॉटल उन्होंने फेंकी थी और मेरे हाथ में आई थी, अब मैं इसको मरते दम तक छोड़ूंगी नहीं, ये पानी सड़ जाएगा लेकिन मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, और मैं रोज़ इसको पीऊंगी और अपने बच्चों को पिलाऊंगी। इमोशनल फूल्स बोलते हैं इनको। ये सब माइंड में है, इमोशंस आपके जो भी इस बॉटल के साथ में जुड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में बॉटल क्या है? बॉटल है जी, कुछ भी बोलते रहो इसके बारे में, कुछ भी सोचते रहो इसके बारे में, कुछ भी फील करते रहो, क्या उससे इस बॉटल के होने पर या ना होने पर कोई फर्क पड़ता है? बॉटल है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो जो मैं हूं उसके ऊपर इस दुनिया में कुछ भी हो रहा है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्पिरिचुअलिटी में और बाहर की दुनिया में फर्क समझ आ रहा है आपको? बारीकी से समझ लो। बाहर की दुनिया में आपको कुछ भी करना है, पैसा कमाना है, काम करना है, पढ़ाई करनी है, नौकरी करनी है, तो क्या करना पड़ेगा? कुछ करना पड़ेगा ना, बॉडी से कुछ करना पड़ेगा। स्पिरिचुअलिटी में क्या करना पड़ेगा? लगाओ दिमाग। एक भूत आपको दिख रहा है, यानी कि इन रियलिटी आप लोगों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मैं देख सकता हूं, आप नहीं देख पा रहे हो। इन रियलिटी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने माइंड में कुछ मेमोरी से आप चिपके पड़े हो, उसकी वजह से खुद ही खुश हो रहे हो, खुद ही दुखी हो रहे हो। वही मेमोरीज हो सकता है आपके माइंड में पड़ी है जिससे आप खुश हो रहे हो, सेम वही मेमोरी आपके हस्बैंड के माइंड में पड़ी है और उसी मेमोरी से दुखी हो रहा है। एक लड़ाई जिसमें आप जीते थे वो हारा था, समझ पा रहे हो? मेमोरी तो मेमोरी है। सो एक्चुअल में आप लोगों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। ये समझ कि मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये रियलिटी है। लाइक करें अगर आपको ये प्रिंसिपल्स काम के लगे, अपने व्यूज और ओपिनियन कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को सबके साथ, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली को इस चैनल के बारे में बताएं। मैं और ऐसी ही काम की बातें आपके साथ शेयर करूंगा, यूजुअली हर वीक। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।